यूटिलाइजेशन करें प्रोसेस पे, और जो कर सकते हैं इंजरी के टाइम पे थोड़ा बहुत उसको नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए, बस यही रहता है। चलिए हम प्रीति शुक्ला से बात करते हैं। प्रीति, अभी अभी आपने शुरुआत करी है और काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो रही है और आप मेहनत भी खूब कर रहे हैं, क्या आपने सोच रखा है, क्या प्लानिंग कर रखी है अपने क्रिकेट करियर को लेकर? सर आज तो अभी मतलब पहली बात तो बीच में गैप नहीं करना चाहिए, मैंने गैप किया उसमें मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो इसके लिए मैं अपना पूरा टाइम चेंज कर दे रही हूँ, पूरा दिन यहाँ पे रहूँगी, सुबह 5 बजे से आऊँगी, 5 ही बजे जाना है। सवाल यही साक्षी आपके लिए है कि जब आप क्रिकेट खेलने वहाँ से चली थी, बनारस से चली थी, और बनारस से इलाहाबाद तक का सफ़र तय करने के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको, तमाम ऐसी चीज़ रेगुलरिटी को लेकर के और मोबिलिटी को लेकर के, फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के, स्पीड को लेकर के, इसके बारे में क्या कुछ सोचा, आपके दिमाग में क्या चलता है? अभी आप छोटे जरूर हो, लेकिन मतलब ऐसे ही लोग सिखाते नहीं थे, अच्छा मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, मैं बस आपका वीडियो देखती थी, मेरे पापा जो बोले, मेरे पापा बोले कि ले चलो वहीं पर चलते नहीं, ये तो अलग पार्ट हो गया कि आप हमारा वीडियो देखती थी और वीडियो देखने के बाद आप यहाँ आई, लेकिन जब अभी आपकी जो तैयारियों के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि जो हम तमाम प्रकार की कमियाँ हैं उसको कैसे दूर करें? सर वही दूर होगा जो, और कर्नाटक से चल के आई हैं भूमिका, अचानक से कर्नाटक से इलाहाबाद का सफ़र, काफ़ी लंबा सफ़र है, बेंगलोर में आप रहती हैं और इलाहाबाद में आके आप प्रैक्टिस कर रही हैं। जब क्रिकेट सर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सो आपका नंबर वगैरह इंस्टा से लिए थे, आपका कांटेक्ट हुआ तब आपका पास आ गए, यहाँ प्रैक्टिस सही हो नहीं, ये तो मेरा प्रचार प्रसार जैसे आप कर रहे हो, हम इस बिजवल्स में कोई ये नहीं चाहते कि मतलब स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में आइए, सब्सक्राइब करिए, फला टिका करिए, ऐसा कुछ नहीं, हम आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, जो व्यूअर्स को दिखा देखने में मज़ा आता है, जो इसमें व्यूअर्स ये देखता है कि एक क्रिकेटर कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, उसको बताइए। अच्छा नहीं समझी, चलिए हम इंटेलिजेंट गर्ल ये श्रेया के पास ले चलते हैं। श्रेया देखिए ये भी एक चेहरा है, थोड़ा सा पीछे करिए जरा, लोग चेहरे को भी देख पाएं। श्रेया आप भी लगातार खूब मेहनत करती हो, लेकिन जब अभी 2-3 दिन पहले आपने अपने विजुअल्स में बताया कि अभी हमारी हमारा डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा, बड़ा निराश मन था, निराश चेहरा था, लोगों को आप देखती हैं, क्या आपके दिमाग में चलता है? सर ये लगता है कि मतलब आके हम अपना टाइम खराब, क्योंकि हमारी गलती उसमें कि हम सर टाइम वेस्ट करते हैं आके, सब मेहनत नहीं करते हैं, पर सर इतनी टाइम लग रहा है कि हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं सर। जो प्रॉब्लम्स थी, तमाम प्रकार की कमियां होती हैं कि बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं ग्रो ना करना, और गेंदबाजी में भी प्रयास किया आपने, तो ये सब चीज़ों में जो विफलता थी वो सफलता की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है क्या आपको? यस सर प्रयास तो कर रहे हैं। और आपकी कुछ दोस्त जो आपके साथ अच्छा पैचअप है, जिनकी वजह से और मोटिवेशन मिलता है, दोस्ती में फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? ये हमारे ऊपर है सर, हम चाहेंगे फ़ायदा लेंगे नहीं तो फिर नुकसान। वेरी गुड, 2 पॉइंट्स आ गए और हमने लगभग सारे चेहरों को सामने ला लिया। सोनल से बात करते हैं, थोड़ी सी पढ़ी लिखी एजुकेटेड सी है सोनल, और शर्माती खूब है, हालांकि शर्मो हया कहीं ना कहीं क्रिकेट पे प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन सोनल आप बताइए कि क्रिकेट को किस नज़रिए से देखती हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आपसे यही। सर हम सोचते हैं कि क्रिकेट को काफ़ी अच्छा खेल रहा है, इंडिया लेवल तक खेल रहा है, तो हमें लगता है कि हम उसके पीछे 100% अपना दें। अच्छा कुछ कमियाँ ऐसी हैं जो आपको कोच यानी मैं खुद स्वयं आपको बार बार आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये चीज़ आपका गड़बड़ है, तो इस पर कैसे काम करते हैं आप? तो हम सोचते हैं सर जो बता रहे हैं उस पर हम अपना 100% दें, उसको ठीक करने में सर पूरा टाइम दें। ये देखिए सोनल 100% टाइम देने की बात कर रही हैं। अब हम चलते हैं एक क्रूशियल मोमेंट पर, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्रिकेट करियर में, वो है रेगुलरिटी का ना होना और कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का सही ढंग से एग्जीक्यूशन ना होना, उस पर ले चलते हैं आपको, आप लोग एग्री होगी मेरे ख्याल से, ये बहुत बड़ा रीज़न है और आप लोग इसको सुनिएगा और अपनी अपनी तरफ से फीलिंग्स व्यक्त करिएगा बिना क्वेश्चंस के, एक तरह से डिबेट जैसा होगा ये। मेरा अपना मानना है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जब मैदान पर कदम रखता है तो वो अकेले आता है, अकेले आने के बाद उसके साथ इक्विपमेंट्स होते हैं ढेर सारे, और वो कुछ दिन बाद ऐसा महसूस होने लगता है कि एकेडमी वो इक्विपमेंट्स को धीरे धीरे छोड़ रहा होता है,
उसको लगने लगता है कि विदाउट इक्विपमेंट्स जाने में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद वो उसके पास जो जो कोचिंग का एक एड्रेस मिला होता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी प्रयास किया बताने का कि स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी में कोई कर्नाटक से आ गया, कोई सैदाबाद से आ गया, कोई बिहार से आ गया, कोई आजमगढ़ से आया, कोई मिर्ज़ापुर से आ गया, कोई बनारस से चला आया, ये चेहरे आप दिखाते रहिए, ये सभी लोग आए, कोई उम्र में थोड़ा सा बड़ा है तो कोई उम्र का छोटा है, लेकिन इन सब के बीच में जो वातावरण था वो फ्रेंडशिप का बना। और इंसान आया कोच के पास, कोच को निग्लेक्ट करके, कोच से दूरियां बना करके उसने दोस्तों के बीच में अपने आप की अपनी पैठ बना ली और दोस्ती इस कदर परवान चढ़ी कि क्रिकेट सीमित होना शुरू हो गया। क्रिकेट के मैदान पर एंट्री करने से पहले इंसान फोन पर बात कर रहा है कि तुम आ रहे हो आज या नहीं। इस पर जरा हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया यही है रेगुलरिटी को लेकर के कि तुम आ रहे हो या नहीं, अगर तुम नहीं आ रहे हो तो हम नहीं आएंगे। बताइए। सर ऐसा मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है। आपकी एकेडमी में तमाम खिलाड़ी होते हैं, आपकी एकेडमी क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया की एकेडमी होती है, उन सारी जगहों पर ऐसा संभवता होता है? नहीं, कोई चीज करने का जुनून होना चाहिए सर कि मुझे करना है तो मुझे टाइम पे उठ के आना ही है। और जो ये इफेक्ट पड़ने लगता है कि अगर वो नहीं आएगा तो आज मजा नहीं आएगा, तो मतलब उसके ऊपर डिपेंड है उसको कैसे मैनेज करना है कि अपनी वो ना आए तो हम ना आए, इसमें तो उसका लॉस होगा ना, तो उसको दिमाग लगाना चाहिए। इसके अलावा एक और बात होती है कि जो मैंने इक्विपमेंट्स की बात करी है, तो मैक्सिमम खिलाड़ी क्या करते हैं कि कोचेस लगातार बताते हैं हेलमेट लगाकर खेलिए, थाई पैड लगाकर खेलिए, पैड पहनकर खेलिए। कोई बल्लेबाज, जैसा कि मैंने देखा हमारी एकेडमी में बहुत सारे बच्चे जो है शुरुआती दौर में अपनी पूरी किट खरीदते हैं और किट खरीदने के बाद माँ बाप को पूरी तरीके से मतलब एग्री कर ले जाते हैं कि हमको ये चीज़ें चाहिए, जाहिर सी बात है वो चीज़ चाहिए भी होती है। तो उसके बाद अचानक से होता क्या है कि वो एक स्ट्रीम की ओर चले जाते हैं, जैसे सोनल बॉलिंग की तरफ चली गई और साक्षी मीडियम पेस से बल्लेबाजी की ओर चली आई, भूमिका ने पूरी किट खरीदी और बल्लेबाजी की तरफ आगे बढ़ी, तमाम स्ट्रगल करते थे ये सभी लोग, और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि आप अपना किट बैग ग्राउंड तक ले आना चाहते हो, इसके पीछे की वजह क्या है? सोनल आपसे ही क्वेश्चन। सर किट बैग लाने की वजह कुछ नहीं हो, सर लाना चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि सर बॉल ही डालना है तो इसलिए नहीं ले आ पाते हैं। देखिए ये बड़ी बात है कि लाइव टॉक शो हमारा इसलिए है कि इसमें खुले अंदाज में बिंदास तरीके से खिलाड़ी बोलते हैं और आपको बता दें कि जो दो मेन चीज़ें हम आज बताने जा रहे हैं वो क्या है, नसीहत के रूप में भी है और खिलाड़ियों के मोटिवेशन के रूप में भी है। सबसे बड़ी बात तो है कि रेगुलरिटी, मैदान पर आने की जो कटिबद्धता होती है खिलाड़ियों में, हिंदी में अगर इसे कहें, इंग्लिश में अगर इस तरीके से कहें कि आपका डेडिकेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैदान पर आपको आना तो आना ही है। अगर आप हमारा चेहरा देख रहे हैं तो आप मुझे लगातार आप मॉर्निंग टॉक शो में देख पाएंगे, हम मॉर्निंग टॉक शो, मॉर्निंग सेल्फी, मॉर्निंग अटेंडेंस, तमाम चीज़ों को बार बार प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे खिलाड़ियों के अंदर एक व्यग्रता हो इस बात को लेकर के कि मुझे जाना है, क्योंकि हमें स्क्रीन पर भी आना है, मुझे ये दिखाना है। मैं दरअसल इसको इसलिए करता हूँ, हमारी एकेडमीज़ के अंदर जो खिलाड़ी आते हैं मॉर्निंग में, हम एक सेगमेंट बनाते हैं अपना, सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि उनके गार्जियंस भी ये देख पाएँ कि वाकई में बच्चे कुछ कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कब, जब आप सैद्धांतिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी के लिए उसका लम्हा वो बड़ा शानदार होता है जब वो ये नहीं सोचता कि मेरा सिलेक्शन कब होगा, जब वो ये नहीं सोचता कि हम भीड़ में कहीं खो ना जाए। एक खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस इस कदर सर चढ़कर बोलना चाहिए कि उसे लगे कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं है। कब? जब वो इसकी उसकी स्किल डेवलप होने लगे, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। अगर ये बात दिमाग में आ गई तो आप कभी भीड़ में नहीं खोएंगे, आप कभी सिलेक्शन सेलेक्टर्स, सिलेक्शन पॉलिसीज, इस पर कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे। और आपको बता दें कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर पूरे देश भर का कोई भी कोना हो, वहाँ पर सिलेक्शंस होते हैं, हो सकता है कि नाइंसाफ़ी भी होती है कुछ खिलाड़ियों के साथ, लेकिन आपको बता दें हुनर कभी भी दबता नहीं। अगर किसी में हुनर है तो उसे कंटिन्यू उसे जारी रखना चाहिए, उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ
एक साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए ट्रायल आने के दौरान ही सिर्फ वो अपने हुनर को दिखा पाए, ऐसा नहीं है। अगर क्रिकेटर है, उसने अपनी ज़िंदगी में ये शामिल कर लिया है कि उसे क्रिकेट खेलना है, तो उसे पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को अपने सौंपना चाहिए और क्रिकेट में अपनी बेहतरी के लिए वो सब कुछ करते रहना चाहिए जिसके लिए वो तैयार होता है। और ये करने के लिए ज़रूरत होती है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन कहाँ से आती है, मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आते हैं, मासूम से चेहरे, मासूम सी आँखें, इन सब के बीच में ये डिसिप्लिन आती है कड़े सिद्धांतों के साथ। जब आपका रवैया ऐसा होगा जिसमें आप ये तय करोगे कि कुछ भी हो जाए मुझे ग्राउंड जाना है, ये जो आपके अंदर सिद्धांत होता है ना कि कुछ भी हो जाए मुझे ग्राउंड जाना है, ये आपको रेगुलर बनाएगा। और जब आप ग्राउंड पर पहुंचोगे ना, तो कुछ भी हो जाए मुझे अपने कार्यों को करना है, तो आप देखोगे कि आप उस कार्य को भी करोगे। हम एक और चेहरे से बात करेंगे, आपको बता दें, उस चेहरे से ये पूछेंगे कि आप कैसी अपनी तैयारी करते हो, और उसके बाद हम आपको फाइनल कंक्लूजन बताएंगे। ये देखिए, ये चेहरा है, एक छोटी सी बच्ची है भावना, अभी एक साल का करियर है, लगभग एक साल से थोड़ा ज़्यादा का, और इस करियर के दौरान इन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को मेहनत करके सफलता प्राप्त करने का प्रयास किया है। भावना, आप बताइए, आप अपनी तैयारियों से संतुष्ट हैं? यस सर। और क्या कुछ करती हैं, क्या दिमाग में चलता है रेगुलरिटी को लेकर के, डिसिप्लिन को लेकर के, और अपनी ट्रेनिंग को लेकर के? सर, सोचती हूँ कि मॉर्निंग जाऊँ तो वर्कआउट करूँ, जैसे फिट रहूँ, और आज से मतलब सर नीचे करके बात मत करिए, स्क्रीन पर आइए सर। बॉलिंग और बैटिंग पे भी फोकस, लेकिन बॉलिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूँ, लेग स्पिन से ही हो। लेग स्पिन क्यों चुना आपने? सर क्योंकि सर शेन वॉन को देख के। और लेग स्पिन की कौन कौन सी विधा आप जान गई हैं इस समय? सर लेग स्पिन के लेग स्पिन के अंदर सर गूगली और सर फ्लिपर और सर हो गया सर। अच्छा, जो सोच है आपकी, कभी कभी आप घर पे खाना भी बनाती हैं और मम्मी पापा चले जाते हैं, मम्मी पापा गांव में रहते हैं, तो ऐसे में अपने छोटे भाई के लिए भी व्यवस्था करती हैं, तो ये सब कुछ कैसे संभव हो पाता है, पढ़ाई लिखाई भी करती हैं? सर पढ़ाई शाम को कर लेती हूँ, फिर यहाँ से फिटनेस करके चली जाती हूँ 9 बजे तक, उसके बाद जाती हूँ तो काम जो रहता है वो करती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ जो आता है बनाना, उसके बाद लेके आती हूँ। भावना, आपको बता दें कि किसी भी क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ी हर समय अवेलेबल होता है, और खिलाड़ी की जो मनोदशा होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके बीच में क्रिकेट कैसे फलता फूलता है इसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर अगर फोकस किया जाए तो जाहिर सी बात है कैमरामैन फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे उसका करियर इन्हांस होगा। और ये करियर इन्हांस होगा दरअसल इससे कि जब आप एक मजबूत सिद्धांत अपना बना लेते हो, कल्पना कर लेते हो कि मुझे ये काम करना है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप रेगुलर रहते हो। रेगुलर रहने पर क्या होता है ना कि किस दिन क्या मिलने वाला है इसे कभी किसी ने देखा नहीं, जैसे कहते हैं ना कि कल किसी ने कभी देखा ही नहीं है, उसी तरीके से ज़िंदगी में कब क्या मिलने वाला है इसका भरोसा नहीं होता है। आप पौधे को देख लीजिए, पौधे की जो ग्रो होती है वो आपको कभी दिखती नहीं है, लेकिन अगले दिन पौधा थोड़ा सा लंबा होता है, उसके अगले दिन लंबा होता है, अगर आप 10 दिन बाद आते हैं तो आप देखते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, या फिर 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसी तरीके से क्रिकेटर की ज़िंदगी होती है। ये जो क्रिकेटर्स हैं ना, शुरुआत जब इन्होंने की थी शायद बॉल पकड़ना भी नहीं जानते थे, बैट पकड़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन आज की ज़िंदगी में इन्हीं की तरफ फोकस करिएगा, आज इनकी लाइफ में कुछ इस तरीके की स्थिति है कि ये अपने क्रिकेट करियर में अपने आप को कहीं ना कहीं बेसिक्स के साथ मजबूत कर चुके हैं और बेसिक्स सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में स्ट्रेटजी और तमाम प्रकार के बाइफर्गेशन, क्रिकेट के ढेर सारे शॉट्स, क्रिकेट की ढेर सारी वेरिएशंस बॉलिंग की, इन सब के बीच में इन्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और इसके साथ चतुराई क्या है, हम इस पर आपको एक छोटा सा नसीहत दे रहे हैं कि आप जब भी क्रिकेट खेलिए अपने आप को बाइफर्गेशन के साथ खेलिए, और अपने आप को तीनों पार्ट में आगे एक साथ बढ़ाइए, अपने पूरे दिन को टाइम मैनेजमेंट में सेट करिए, मॉर्निंग में फिटनेस करने का प्रयास करिए, स्किल का पार्ट उसमें ऐड ऑन करिए, दोपहर में आप अपने आप को क्रिएटिव बनाइए, अपनी सोच डेवलप करिए,
क्रिकेट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाने का प्रयास करिए। क्रिकेट की तमाम ऐसे विजुअल्स आप आज के डिजिटल युग में मोबाइल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, और तमाम ऐसे मैचेस देखिए जो सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिजल्ट दे रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप शाम को अपने आप को मैदान पर ले आएँ तो वहाँ पर आप बदले हुए चेहरे के रूप में नज़र आएंगे, और आपको अपनी सफलता के आयाम में रोज़ एक ऐसी स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा जो आपके अपने कोच के साथ होगा। और ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है सफलता का आयाम, सफलता के शिखर पर आप जरूर पहुंचेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाओं के बीच में आज का ये लाइव टॉक शो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया।